व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। हम यहाँ पर पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी का ये फोर्थ पार्ट चल रहा है हमारा, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस चैप्टर को हम आगे देखेंगे, आज ये लास्ट पार्ट है यहाँ पर। आज काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा डीप में भी मैं यहाँ पर जाऊँगा कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में पिछले कुछ सालों में, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब से लेकर आज तक लड़ाई चलती रहती है। कभी फंडामेंटल राइट को पावर दे दी जाती है, कभी डीपीएसपी को दे दी जाती है, और फिर से घूम फिरा के फिर फंडामेंटल राइट को दे दी गई। तो ये सारा प्रोसेस कैसे चला, वो पूरा प्रोसेस हम जानेंगे इस आर्टिकल, इस कंप्लीट चैप्टर में। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद में हम डिफरेंस भी देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। तो काफी कुछ आप लोगों को इस लेक्चर से सीखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे एसएमएस आते रहते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड करते हो पर लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा, आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को पर लेकिन ये बेल का आइकन नहीं दबाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल का आइकन दबाइए, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास में डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो हमेशा इस बेल के आइकन को ऐसे प्रेस करेंगे जब आप लोग, तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आइकन खुल के आएगा अगर आप लैपटॉप में करते हैं, पर लेकिन अगर मोबाइल में करते हैं तो ये ऐसा कुछ खुल के नहीं आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेल को करते ही यहाँ पर इसके बराबर में दो निशान बन गए, इसका मतलब बेल अब बजेगी। इसका मतलब जब भी कुछ वीडियो अपलोड होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो नए नए यूट्यूब पर बच्चे आते हैं उनके लिए बताया खासकर, और आप भी अगर कोई कमेंट बॉक्स में कोई इस तरीके की बातें बोलते हैं तो उसे आप लोग भी थोड़ा आंसर दे दिया करो इन सब चीजों का। ओके, तो आइए अब अपना लेक्चर देखते हैं आगे। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये की जा रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट के लिए, किस तरीके से सोसाइटी के लिए, किस तरीके से वो फंडामेंटल के साथ में सप्लीमेंट का काम करती है, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी बातें की जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका था कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्या है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, या फंडामेंटल राइट हो गया, तो डीपीएसपी में ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल में थी, मैंने लास्ट ही आर्टिकल अभी डिस्कस किया था, आप लोगों को आंसर देना है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, डोमेस्टिक एंड द इकोनॉमिक सोशल स्पेयर, तो इन सब पार्ट में एक स्टेबिलिटी आती है और कंटिन्यूटी आती है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब देखा था फंडामेंटल जो राइट होते हैं वो जब हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, एक तरीके से गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, तो जब वो हमको मिलते हैं तो वो हमारे अगर इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, पर लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में एक तरीके से पावर होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर उसको चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकती है और नहीं चाहे तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो इसी तरीके से ये सप्लीमेंट्री का काम करते हैं, कंटिन्यूटी बनाते हैं चीजों में। मतलब फंडामेंटल राइट से तो हमको राइट मिल गए बहुत सारे, पर लेकिन जो गैप बचाता है वहां पर, जो वैक्यूम बचाता है फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंट होने के बाद भी, जिस तरीके से कई सारे वैक्यूम कैसे बचाते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो वो जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो वैक्यूम रहता है वो फिल कर दिया जाता है किसके द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी अगर कहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन आए कि ये क्या काम करती है, तो ये सप्लीमेंट का काम करती है। जिस तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने जिम जिम ज्वाइन कर दिया है, या फिर आप लोग रनिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दिए है, तो आप लोग सप्लीमेंट लेते हैं, तो बॉडी बनाते हैं नॉर्मली आप लोग एक्सरसाइज करके, तो सप्लीमेंट लेते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, बॉडी को सप्लाई की जाती है और उसको बढ़ाने के लिए। तो फंडामेंटल राइट अपनी जगह पूरा काम करते हैं, तो ये सप्लीमेंट का काम और करती है वापस में। तो इस तरीके से ये एक तरीके से प्रमोट करती है, आप लोग ये बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने का काम करती है। तो इसीलिए डीपीएसपी को यहां पर बोला जाता है कि काफी अच्छे ये एक तरीके से सोसाइटी के लिए प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। ओके, और इसके अलावा देखिए ये तो काम करती है सप्लीमेंट और इन सब चीजों का, अपोजिशन को भी कुछ ना कुछ रोल दे देती है प्ले करने के लिए। अपोजिशन पार्टी होती है, अगर मान लीजिए कोई सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो भी हमारे हमने अब तक पढ़ी हैं, वो सारी पॉलिसीज हैं, अगर हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने कोई लॉ नहीं बना रहे हैं ढंग से, तो अपोजिशन के हाथ में भी कुछ ना कुछ रहता है बोलने के लिए, कि वो भी अगर पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे तो बोलेंगे कि आपने यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में ये काम नहीं किया, इस वाले एरिया में ये काम नहीं किया है, तो वो भी उनको नोटिफाई करके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें रखी गई है, आपको बोला गया था कि इस वाले एरिया में आप लोगों को शराब वगैरह बंद कर देनी चाहिए पर आप लोगों ने वो नहीं किया, इस वाले एरिया में आप लोगों को बोला गया था कि मतलब जो मैन है और वुमेन है दोनों को इक्वल वेज फॉर इक्वल पे मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क करने के लिए, ठीक है ना, जितना काम करे उतने काम के लिए दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए, वो भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की। मैटरनिटी लीव के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके के अपोजिशन के पास में भी कुछ वर्ड्स रहते हैं बोलने के लिए जब पार्लियामेंट में जाके ये लोग बैठते हैं, तो वो सारी बातें वहां पर डिस्कस की जाती है। तो इसीलिए अपोजिशन के हाथ में कुछ बात आ जाए वो भी कम से कम डीपीएसपी के बारे
बारे में पता होगा, तो वो भी वहां पर गवर्नमेंट को घेर सकती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर ब्लेम कर सकती है इसने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की है। ओके, और इसके साथ में क्या होता है, टेस्ट परफॉर्मेंस भी होती है गवर्नमेंट की। देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना दी तो फिर मीडिया होती है, यहाँ पर मीडिया होती है या फिर हम जैसे लोग होते हैं, हम भी तो क्रिटिसाइज करते हैं, मीडिया भी तो क्रिटिसाइज करती है, और हम क्रिटिसिज्म अगर करते हैं तो हमारा क्रिटिसिज्म मीडिया से पहुंचता है और मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट है, मैक्सिमम जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं किसी कंट्री में, गवर्नमेंट सारे न्यूज़पेपर देखती है कि किस किस एरिया में क्या क्या हो रहा है, और फिर जो भी उनको प्रॉब्लम रखती है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उनको जिस कंट्री की जो न्यूज़ एजेंसी होती है उससे मिलती है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा गोरखपुर में कितने सारे बच्चे एक्सपायर हो गए, खासकर बोला जा रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, तो सप्लीमेंट नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई, तो नॉर्मली कितने दिनों तक तो चुप्पी साधी रखी गवर्नमेंट ने, पर लेकिन जब मीडिया में ये सारी चीजें उठ उठकर आने लगी, दबाव बना, तब जाकर अफरा तफरी मची और तब जाकर चीजें सामने आनी स्टार्ट हुई प्रॉपर वे में। तो मीडिया भी काम करती है इसका कि किस तरीके से चीजें सामने आ रही है, उनको दिखाने का एक आईना है मीडिया भी गवर्नमेंट को दिखाने के, ये आपकी पॉलिसी है और इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो ये सारी बातें मीडिया भी करती है। ओके, इसके बाद में देखिए जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाया जाता है, आप लोग देखते हैं जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते हैं तो सारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है, मतलब हम आने वाले 5 सालों में ये काम करेंगे, तो अपने काम का पूरा ब्यौरा देती है। तो वो पूरा ब्यौरा कहीं ना कहीं उनको बनाने का जो काम करता है वो हेल्प करता है इनको डीपीएसपी में से पॉइंट उठाते हैं, यहां पर डालते हैं, जिससे कि क्योंकि डीपीएसपी इस तरीके से ही रखी गई है, उसमें सारा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक सारी डायमेंशन की चीजें उसमें रखी गई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमी से पॉइंट ऑफ व्यू चीजें रखी है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, पर्टिकुलर एरिया जिस तरीके से एनवायरमेंट के लिए क्या करना है, महिला के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, तो कुछ ना कुछ सबके लिए है उसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई मैनिफेस्टो बनाया जाता है किसी पार्टी के द्वारा तो सीधा सीधा क्या रहता है कि यहां से पॉइंट उठाए जाए और उनको इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये भी उनको काम, ये भी काम करने में इनको हेल्प मिलती है अगर डीपीएसपी की हेल्प लेते हैं तो। तो इस तरीके से डीपीएसपी कई सारे डायमेंशन में काम करती है, ये आप लोगों ने यहां पर देखा। ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले डिफरेंस से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वाले का आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये किसमें है, पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी किसमें है, पार्ट फोर में है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट है वो है 12 से 35 तक, तो 35 यहां पे खत्म हो गया। अब इससे आगे 36 चला, तो 36 से 51 तक ये क्या है, यहां पर डीपीएसपी है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहले तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आप लोगों को याद रखना है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये, क्यों आता है ये, देखिए एक साइड में तो फंडामेंटल राइट, दूसरी साइड में डीपीएसपी, इनको नेगेटिव बोला जाता है। नेगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेट को एक तरीके से बांधते हैं कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं, तो अगर कोई चीज कुछ करने से रोकती है तो इसका मतलब नेगेटिव पावर हो गई वो। अगर कुछ करने के लिए प्रमोट करे, ये देखिए यहां पर प्रमोट करती है इनको कुछ ना कुछ करने के लिए कि ये प्रोविजन है, आप लोग इनको इंप्लीमेंट करें और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, तो इसीलिए ये तो नेगेटिव है क्योंकि ये रोकते हैं, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रमोट करते हैं उनको कुछ करने के लिए। ये बात कई बार आती है, ये मैचिंग में भी आ जाती है और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ जाती है कि फंडामेंटल राइट के बारे में दे देगा, फंडामेंटल राइट नेगेटिव है या फिर डीपीएसपी नेगेटिव है, इस तरीके से बोल देगा कि प्रोविट करते हैं या फिर ये प्रमोट करते हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा देखिए जुडिशियबल है, मतलब अगर कोई इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर चुका हूं, इसीलिए कहता हूं लेक्चर ढंग से सुनोगे तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। और कोशिश किया कीजिए नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूं पुराने वाला लेक्चर जरूर सुना कीजिए, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, और आज के बाद में आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी इस कंप्लीट लेक्चर की। ओके, नॉन जुडिशियबल है नेचर में, मतलब अगर इनको कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा ये बताइए नॉन जुडिशियबल क्यों है नेचर में, पूरे लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कई सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को दिए थे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। आजकल आप लोग बहुत कम दे रहे हैं, और देखिए मुझे मोटिवेशन इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है जितना आप पार्टिसिपेट करते हैं, और मिला जुला के 10 से 12 स्टूडेंट हैं जो इसको फेसबुक पर शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी के पता नहीं, मतलब उनके मुझे नाम भी याद होंगे पर्टिकुलर जो शेयर करते हैं, बाकी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है यार, या तो शेयर किया करो या लोगों को कम से कम पढ़ाया करो, तो पार्टिसिपेट करो। कई घंटे लगते हैं लेक्चर को बनाने में, तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेशन दो ना अपना, कि चीज़ों लोगों तक पहुंच सके, जो पैसे बर्बाद करते हैं कोचिंगों में जाके उनका कम से कम कुछ बच्चे उनका बेचार होगा। ओके, या फिर पढ़ाओ अपना, आप लोगों का रिविजन भी हो जाए, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जुडिशियबल है नेचर में और लीगली इनफोर्स है, अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो इनफोर्स किया जा सकता है इनको, पर इन पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, यहां पर देखिए क्या बात बोली गई नेक्स्ट वाले पॉइंट में, ये काम करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में, जिस तरीके से हमारे राइट है और सारे मैक्सिमम चीजें जो यहां पर दी गई हैं, हम लोगों ने पूरा पार्ट डिस्कस किया है, इतने सारे लेक्चर लिए हैं कि आज तक मैंने नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, अगर आप कंगालोगे भी
इतने आप लोगों को फंडामेंटल राइट के लेक्चर नहीं मिलेंगे जितने मैंने यहाँ पर लेक्चर ले डाले, एक एक आर्टिकल का एक एक लेक्चर बना दिया है। तो अच्छे से देखिएगा, ये सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिस तरीके से सोसाइटी के बारे में जिक्र किया जाता है इकोनॉमी के भी, और दोनों की डेमोक्रेसी तभी आएगी बनके जब इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो ये बात मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ, और खासकर यहाँ ये बातें मैं आप लोगों को प्रीएम्बल वाले चैप्टर में भी अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें पीछे कवर हो चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर से अगर सारी चीजें अगर इस तरीके से रिपीट करता रहूंगा तो एक ही लेक्चर में फंसे रहेंगे, तो थोड़ा सा मुझे उस पर हल्का सा कम फोकस देना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग कम से कम उनका तो नुकसान भी ना हो जो पहले लेक्चर देख चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके यहां पर चलिए। ओके, इसके बारे में देखिए क्या बात की गई है यहां पर, क्योंकि देखिए ये फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर उनको उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहां पर इनके लिए कोई भी रूल और लॉ नहीं बनाना होता है पार्लियामेंट में जाके, कि पहले लोकसभा में पास करो, फिर राज्यसभा में पास करो, फिर प्रेसिडेंट के पास में लेके जाओ, लॉ बन गया, फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये काम हम लोग ये डीपीएसपी के लिए करते हैं। अगर कोई भी काम हो गया, जिस तरीके से एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, पार्लियामेंट वो ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, और आप लोग ले सकते हैं म्यूनसिपैलिटी, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए किस में रखा गया है, कौन सा आर्टिकल है, गांधीयन प्रिंसिपल की बात की गई थी, गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल ये है, याद आ रहा है कुछ यार, रिविजन करना है आप लोगों को, नीचे बताइए। ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल दे रखा है, उस आर्टिकल के तहत 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आए, तो उसी के तहत उनको इंप्लीमेंट किया गया, तो एक्ट बनाया गया बकायदा, अमेंडमेंट किया गया। तो इंप्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है। ये इंडिविजुअल बेस होते हैं, बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, कहीं घूमने की फ्रीडम होनी चाहिए, काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, तो ये इंडिविजुअल के बेस पर होते हैं। पर लेकिन ये कम्युनिटी के बेस पर होते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा अभी यहां पर पंचायत की बात की, तो कम्युनिटी के बेस पर ये की जाती है। जिस तरीके से मैटरनिटी लीव दी जाती है, पहले 12 महीने की दी जाती थी, अब 26 की कर दी है बढ़ा के। ठीक है, तो 26 की कर दिया बढ़ा के, तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए किया है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वुमेन के लिए किया है। ओके, तो इस तरीके से इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस यहां पर दे रखे हैं। अगर कोई लॉ ऐसा बनाया जाता है कोर्ट के द्वारा जो कि फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, पर लेकिन डीपीएसपी के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, तो ये बाइंडिंग नहीं है। ये बातें आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छे से, तो ये थोड़े से डिफरेंस है, इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं घूम फिर के, आप लोगों को ये याद रखने अच्छे से। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट केस है जो कि आप लोगों को काफी जानना चाहिए, ये कई बार मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस केस में क्या हुआ है। ठीक है, तो इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। 3-4 केसेस का जिक्र करूंगा, एक तो ये फर्स्ट वाला केस यहां पर ये हो गया, दूसरे वाला केस ये हो गया गोलकनाथ, तीसरे वाला केस आप लोगों को यहां पर आगे चल के मिलेगा देखने को, ये मिनरवा मिल केस देखने को मिलेगा। यहां तक के चार जो तीन केस मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन तीनों केसों में और इसके बीच में आएगा 42nd अमेंडमेंट, इन सब से कभी तो फंडामेंटल राइट को ज्यादा पावर दे दी गई है, कभी डीपीएसपी को दे दी गई है, इन सब से चलते हुए लास्ट में आज की डेट में क्या सिनेरियो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये फर्स्ट वाला केस था इस केस के हिसाब से जो कि 1951 में हुआ था, इसका नाम है चंपाकम डोरेंजन केस। तो जो ये केस आया था 1951 में ही आ गया था, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इसके हिसाब से क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट को ज्यादा पावर दी गई एज कंपेयर टू डीपीएसपी। ठीक है, तो अगर कभी दोनों के बीच में कुछ लड़ाई होती है कि कौन से को इंप्लीमेंट करना है, फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करना है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो हमेशा फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि भैया इनको इंप्लीमेंट करो। और सब्सिडरी बना दिया, मतलब आप लोगों ने सुना होगा सब्सिडरी कंपनी की एक तो मेन कंपनी हो गई और उसकी छोटी छोटी सी ब्रांच खोल दी जाती हैं, तो उसको सब्सिडरी बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट की सब्सिडरी बना दी गई डीपीएसपी को, मतलब एक तरीके से इसका सप्लीमेंट है ये। तो ये बात निकल के आई, ये स्टार्टिंग वाला केस आया, तो ये बात यहां पर डिस्कस की गई। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट केस बताने जा रहा हूँ, ये कि है गोलकनाथ केस। इस केस को जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया हमारी कंट्री में, वो आया 1973 में। 1973 के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती के केस से। तो केशवानंद भारती का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में चीजें डिस्कस की गई, उसके बाद में बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके बेस पर जी मतलब अमेंडमेंट तो कर सके पर एक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज न की जाए। ये सारी बातें मैं 10 से 12 बार पीछे जो लेक्चर लिए हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या फंडा है, सारी बातें अच्छे से बता चुका हूँ पीछे लेक्चरों में। ओके, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि फाउंडेशन चेंज नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गोलकनाथ केस जो आया उस टाइम पे, ये इससे पहले आ गया 1973 से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट है उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, पवित्र उनको सैक्रोसेंट बोला गया, मतलब एक तरीके से पवित्र बोला गया, पार्लियामेंट उनको अमेंड नहीं कर सकती एक तरीके से, ये बात बोली गई गोलकनाथ केस में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा केस था जिसमें सैक्रोसेंट बता दिया गया था फंडामेंटल राइट को। ओके, तो उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये बात बोली गई यहां पर, आप लोगों को याद रखनी है।
पर लेकिन उसके बाद में फिर बहुत ही खतरनाक चीज हुई हमारी कंट्री में, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी आई 1973 में, 1975 और 77 में। यहां पर जैसी इमरजेंसी आई तो क्या किया गया, पावर दे दी गई किसको ज्यादा, डीपीएसपी को ज्यादा पावर दे दी गई और फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 ये सारे सबोर्डिनेट बना दिए डीपीएसपी के। तो ये बात निकल के आई वहां पर, मतलब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको साइड में रखा जा सकता है, ये बात बोली गई यहां पर। और कौन सी डीपीएसपी थी, वो खासकर डीपीएसपी थी जो 39 आर्टिकल में आती है। 39 आर्टिकल आप लोग याद रख सकते हैं, ज्यादा पार्ट में घुसने की जरूरत नहीं है वैसे तो। 39 कम से कम आप इतना तो याद रखिए, बी और सी याद रख लेते हैं तो भी सही है, पर लेकिन 39 याद रखिएगा। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है, अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, मतलब बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दी गई थी इस अमेंडमेंट के तहत। तो जब ये अमेंडमेंट किया गया उस टाइम पे डीपीएसपी जो हमारे यहाँ पे हैं उनको ज्यादा पावर दे दी गई फंडामेंटल राइट से भी, मतलब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को भी साइड में रखा जा सकता था, ये बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। पर लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली थी नहीं। फिर क्या बात हुई, फिर बात हुई आगे चल के केस आया मिनर्वा मिल केस। इस मिनर्वा मिल केस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहां से कई सारी चीजें निकल के आई। इससे पहले 1973 में आप लोगों को याद रखना है केशवानंद भारती केस, तो उससे क्या हुआ, उससे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल गया, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पर मिनर्वा मिल केस ने क्या किया, मिनर्वा मिल केस ने बोला कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्रेफरेंस देना है या फिर डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, मतलब दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। ये बात बोली गई मिनर्वा मिल केस को, केस के द्वारा, कि दोनों ही हमारे मतलब एक तरीके से बेडरॉक है, मतलब जिसके ऊपर टिकी हुई है चीजें, तो दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेडरॉक है, तो इस तरीके से दोनों में ही बैलेंस बना के रखे चलना है। तो आज की डेट में क्या चीजें निकल के आती है, आज की डेट में ये चीजें निकल के आती है जो उस टाइम पे बोली गई थी कि फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, पीछे भी हम लोगों ने देखा। पर लेकिन अब क्या बोल जाएगा कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, क्या कि वो जो अमेंडमेंट होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को डेमेंड नहीं करेगा, आप लोग चेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक तरीके से बात तो बोली गई कि देखिए फंडामेंटल राइट को तो पावर दे दी गई, जो कि पावर छीन ली गई थी, फंडामेंटल राइट से कम पावर दे दी गई, फंडामेंटल राइट को कम पावर दे दी गई थी एज कंपेयर टू डीपीएसपी के, ठीक है। तो जो ये पावर दे दी गई, ये तो पावर वापसी मिल गई डीपीएसपी उसको फंडामेंटल राइट को, पर लेकिन बात ये आगे निकल के जो पहले अमेंड भी नहीं किया जा सकता था, अब जो मिनर्वा मिल केस आया उसके हिसाब से बात ये बोली गई कि अब उसको आप अमेंड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का आप लोगों को ध्यान रखना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, एक बार ध्यान से चीजों को रखिए और मतलब फिर से लेक्चर को पीछे करके सुन सकते हैं अगर समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है कॉन्सेप्ट में। पहले केस आया, पहले केस में ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट की ज्यादा ताकत है, ओके। उसके बाद फिर दूसरा केस आया, अमेंडमेंट किया गया 42nd, उसमें बोला गया कि डीपीएसपी की ज्यादा पावर है। फिर मिनर्वा मिल केस निकल के आया, वहां पे बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों अपनी जगह है, हालांकि फंडामेंटल राइट को पावर ज्यादा बोली गई यहां पर लेकिन दूसरी बात यह भी बोली गई कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, जो कि पहले मना कर रखी थी कि इसको अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, पर यहां पे बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं हम लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, बट केस ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी जो बातें निकल के आई वो इस वाले केस से निकल के आई, तो इसने कहीं ना कहीं बैलेंस बैठा दिया, ओके, कि हमारी एक तरीके से इकोनॉमी जो है और हमारी सोसाइटी जो है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और किसी के बीच में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो इसने कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन दे दिया। तो आज की डेट में ये कंडीशन है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं इस वाले पेज पर, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। ये पोर्शन थोड़ा सा लेंदी भी और थोड़ा सा बोरिंग भी है, रटना नहीं है, बस आप लोगों को जिस्ट जानना है कि एक्चुअल में है क्या। बहुत सारी उस दिन से लेकर आज तक की दुनिया भर की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है। तो सबसे पहले अगर 1950 की ही बात करें तो 1950 से लेकर आज तक पता नहीं कितनी सारी इंप्लीमेंट की जा चुकी है। सबसे पहले बात की है प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती थी, तो 5 ईयर प्लान में भी कहीं ना कहीं जो बातें होती थी वो इसी तरीके की होती थी जो डीपीएसपी में रखी गई है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का बात करती थी और हमारी सोसाइटी को में एक इक्वलिटी लाने की बात करती थी, अपॉर्चुनिटी मिले सबको, जस्टिस मिले, इनइक्वलिटी रिड्यूस हुए, तो वो सारी बात की जाती थी। तो ये सारी बात की गई थी प्लानिंग कमीशन में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्ट था कि इसके बेस पे हम लोग फंडा जो हमारे डीपीएसपी है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। इसके अलावा हम लोगों को आगे क्या देखने को मिला,
जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, देखिए जब हमारा देश एक तरीके से कॉलोनियल था, मतलब कंट्रोल में था अंग्रेजों के, उस टाइम पे क्या बातें हुआ करती थी। उस टाइम पे ये थी, कई सारे राजा रजवाड़े थे और उनकी दुनिया भर की जमीन थी, और दूसरे टेनेंट थे, नीचे फार्मर थे, किसान थे जो काम किया करते थे उनकी जमीनों में, ठीक है, मजदूर आप लोग बोल सकते हैं। उनके पास में कुछ भी जमीन वगैरह नहीं थी। फिर भूदान वगैरह मूवमेंट चला गया, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो सब मूवमेंट चलाए गए कि दूसरों को भी जमीन मिल सके और जो जो जमीन जो उस खेत में काम कर रहा है उसको भी कुछ खाने पीने के लिए ढंग से मिल सके। तो सबसे पहले तो जो इंटरमीडिएटरी थे पहले वो खत्म किए गए, मतलब जो किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में जो इंटरमीडिएटरी थे, जागीरदार आप लोगों ने सुना होगा, कई सारी इस तरीके के आप लोगों ने ये लाभ भी बनाए गए थे अंग्रेजों के टाइम में, आप लोगों ने सुना होगा महलवारी करके, ये इस तरीके के जो लाभ बनाए गए थे, ये सारे जो इंटरमीडिएटरी वहां पे चीजें यूज हुआ करती थी, एक तरीके से कहीं ना कहीं दबाया जाता था किसानों को, ठीक है, तो वो बातें हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती थी। तो इंटरमीडिएटरी ये चीजें थी, ये सारी हटा दी गई जो कि अंग्रेजों के टाइम से चली हुई आ रही थी। इसके बाद में क्या किया, जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, उनमें रिफॉर्म किया गया, मतलब जो किसान होते हैं जो काम करते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, फेयर रेंट दिया जाए उनको, मतलब एक तरीके से उनको प्रॉपर टाइम के लिए दिया जाए, ये नहीं कि मन किया तो रख लिया और मन किया तो निकाल के फेंक दिया, ये भी सब चीजें चेंज की गई। ओके, इम्पोजिशन किया गया सीलिंग की, सीलिंग किया गया कि मतलब किसी के पास में अगर 1200 एकड़ लैंड है तो उसको सेलिंग कर दी गई कि ये 150 एकड़ ही रख सकता है, बाकी की लैंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूट तो खैर इन्होंने नहीं की, अपने चाचा के नाम पर, फूफा के नाम पर, भतीजे के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कहीं कुत्तों के नाम पर भी जमीनें बांट दी इन्होंने, पर लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं किया, हाँ थोड़ा बहुत हुआ सोसाइटी में। इसके अलावा क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सरप्लस लैंड का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, यहाँ पर तो सीलिंग लगा दी गई कि आपके पास में मान लिया 500 एकड़ है तो 100 एकड़ आपको रखनी है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने का बात आया, जिसके पास लैंडलेस लेबर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, पर लेकिन किया नहीं गया, पर लेकिन फिर भी एक एफर्ट लगाया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई मिलके, मतलब जमीन में मिलके सब फार्मिंग करें और सब अपना एंजॉय करें उसको, ये भी बात की गई। तो बहुत सारी चीजें की गई, इसके अलावा कई सारी बातें और इंप्लीमेंट की गई, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लॉ निकल के आए कि मिनिमम वेज होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में निकल के आया, चाइल्ड प्रोबेशन से निकल के आया, चाइल्ड लेबर की जब बात की जाती है, बाउंडेड लेबर के बारे में बात निकल के आई, ट्रेड यूनियन निकल के आया, फैक्ट्री, ये सब आप लोगों को रटने नहीं है, पता होना चाहिए कि ये सारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या काम कर रहे हैं, ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का ही काम कर रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन करी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे यहाँ पर डीपीएसपी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट की, पहले 12 महीने हुआ करती थी, अब की डेट में बढ़ा के उसको 26 महीने कर दिया गया, ठीक है। और इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की जाती है, तो ये सारी जो बातें की जाती है ये सारी किसके तहत की जाती है, डीपीएसपी के तहत की जाती है कि उनको कम से कम इक्वल वेज मिल सके जो कि इक्वल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि औरत को कम मिल रहे हैं और जो मैन होते हैं उनको कम ज्यादा मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या बात की जा रही है, लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई 1987 में, जिसको आप लोगों को लोक अदालत भी देखने को मिलता होगा। लोक अदालत को पावर दे दी गई कि अगर इसमें कोई केस चला जाता है तो वो लीगल बाइंडिंग होगा, उसके बाद में अगर केस यहां पर सोल्व होता है तो उसके लिए अपील नहीं की जाएगी कोर्ट में, क्योंकि लोक अदालत का मतलब यही है कि दोनों पार्टी अगर सहमत है तो आए यहां पर पंचायत में, आए लोक अदालत में आए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो वहां पर आए अपना केस सोल्व करें और केस सोल्व करने के बाद में अपने अपने घर जाए। अगर यहां पर ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इनको तो ये कोर्ट में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि अपनी मर्जी से यहां पर आ रहे हैं, कोई इनको फोर्स नहीं कर रहा है यहां पर आने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर लोक अदालत का मतलब ही यही होता है, जो पेंडिंग रहती है ऊपर वाले कोर्ट में, कम से कम उनकी पेंडिंग को कम किया जाए, तो अगर यहां से ऊपर केस जाने लगा तो फिर इनका मतलब ही नहीं रहेगा, कोई अगर यहां हार गया तो फिर वो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो लोक अदालत का कोई पर्पज नहीं रहेगा। तो लोक अदालत का जो जिस पर्पज से लोक अदालत बनाई गई थी, ऊपर जो बर्डन बना हुआ है उन सबको घटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो जो इसका पर्पज था वो पर्पज सोल्व नहीं हो पाएगा फिर। ये भी इसी तरीके से मैंने डाल दिया है, रटने नहीं है बस आप लोगों को। कॉटेज इंडस्ट्री बनाई गई, खादी आप लोग देख सकते हैं विलेज में, ये स्मॉल स्केल विले, ये नेशनल, ये सब हैंडलूम वगैरह, मतलब ये सारी इंप्लीमेंट करने के लिए ही बनाई गई, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स जो फिर लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, किस तरीके से कम्युनिटी में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है, हिली एरिया के लिए अलग से प्रोग्राम चलाना है, जहां पर ड्रोथ होता है वहां पर अलग से प्रोग्राम चलाना है, मतलब सूखा पड़ जाता है, मिनिमम नीड अगर प्रोग्राम चलाना है, मिनिमम कितना बेसिक नीड लोगों को मिलनी चाहिए। आज की डेट में भी आप लोग देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट निकल के आता है, जो इस तरीके के एक्ट निकल के आते हैं ये सारे इसी के एवज में निकल के आते हैं। हम लोगों ने देखा अभी कुछ दिनों पहले रूल निकल के आए थे 500-500 मीटर में दोनों साइड में जो शराब के ठेके वगैरह हैं वो बंद कर देने चाहिए, तो ये भी सारी चीजें जो निकल के आते हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए ही निकल के आती हैं। आप लोगों ने सारी चीजें डीपीएसपी में पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर में, तो वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो आगे ये कंटिन्यू है, रटनी नहीं है, ये जिस तरीके से सारी चीजें कंटिन्यू है, अब आप लोग हम यहां पर देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं नरेगा भी जो निकल के आया था, जिसको आज की डेट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही चीजें इंप्लीमेंट करने का काम करता है। आगे क्या बोला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकल गया है 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट निकल गया है, ये भी हम लोगों ने देखा डीपीएस में बोला गया था कि हमको कंजर्व करनी है सारी चीजें। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर
अगर फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट करते हैं तो नॉर्मली इंप्लीमेंट कर देते हैं उनको, पर यहां पर एक्ट बनाने पड़ रहे हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, स्कीम्स लानी पड़ रही है इंप्लीमेंट करने के लिए, ये अपने आप इंप्लीमेंट नहीं होती है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। आर्टिकल 40 के तहत पंचायत राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। यहां पर थ्री टायर सिस्टम आ गया हमारे यहां पर, क्वेश्चन पूछा था मैंने, आंसर भी मिल गया आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, तो देखिए जितने क्वेश्चन पूछते हो कम से कम उनके आंसर दिया कीजिए। आंसर बहुत कम दे रहे हैं आप लोग, कुछ तो मैं क्वेश्चन ही कम पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर भी कम ही दे रहे हैं, तो कम से कम जितने पूछ रहा हूँ उसके तो आंसर दीजिए। तो थ्री टायर सिस्टम निकल के आया, तो ये भी इसी से निकल के आया आज की डेट में, किस तरीके से तालुका में, विलेज में, जिला में, जिले लेवल पे, तो ये पंचायत सिस्टम भी यहीं से ही निकल के आया, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा स्लोटर, जो गाय से रिलेटेड जो स्लोटर की बात की जाती है, काल्स या फिर ब्लूक की बात की जाती है, तो ये सारी बातें भी यहीं से निकल के आए कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो बैकग्राउंड में डीपीएसपी चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि सपने आ रहे हैं यहाँ पर इन लोगों को और वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैंने आप लोगों से अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि फंड वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो ये वाला क्वेश्चन 2002 में आईएएस में पूछा जा चुका है और उसके बाद में एसएससी में भी रिपीट हो चुका है ये वाला जो क्वेश्चन है मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी। यहां बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के साथ में निम्न में से नीचे दिए गए आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल ये इसको मतलब बताता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था 2002 में आईएएस में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना और लेक्चर सुनने के बाद में देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोग अटेम्प्ट ना कर पाए, बस कमी मिलेगी तो आप लोगों को रिविजन की। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन 2007 में सीडीएस में पूछा जा चुका है, उसके बाद में एसएससी में भी और बैंकिंग में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूं मैं एक एक करके, तो अगर ये सारे वीडियो आप लोग पीछे के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से करके ले जाएंगे आप लोग यहां से। ये वाला क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है और एसएससी में पूछा जा चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कितने तरीके की माइनॉरिटी, तो आईएएस में पूछा गया 1999 में, एसएससी में भी रिपीट हो चुका है, बैंकिंग में भी रिपीट हो चुका है। तो होता क्या है, जो आईएएस में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम ये जो नीचे वाले एग्जाम है वो उन्हीं से उठा लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कितने तरीके की माइनॉरिटी होती है, तो वहां पर मैं आप लोगों को बता चुका हूं दो तरीके की, एक तो होती है रिलीजियस और एक होती है लिंग्विस्टिक, तो दो तरीके की माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। तो ये सारे क्वेश्चन वही निकल के आ रहे हैं, ये भी पूछा जा चुका है 2002 में आईएएस में क्वेश्चन, ये फंडामेंटल राइट का, ये भी राइट टू इक्वेलिटी इज ग्रांटेड बाई, पांच आर्टिकल कौन से है जिसके द्वारा राइट टू इक्वेलिटी ग्रांटेड की जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को बता चुका हूं, क्वेश्चन भी दिया था मैंने आप लोगों को, तो ये 14 से 18 तक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सारी बता चुका हूं और सारे क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, तो जितना हो सके रिवीजन कीजिए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम में, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अगर लेक्चर सारे सुन लोगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे, अगर वहां पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम गारंटी देके जा रहा हूं, अगर लेक्चर ढंग से सुने होंगे तो मिनिमम 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, एक आधा क्वेश्चन तो मान लो ऐसा छूट जाता है जो आप लोगों की समझ में नहीं आया, पर लेकिन अगर बेसिक आप लोग पढ़ के जाएंगे सारे तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके लेके जाएंगे। तो ये देखिए इतना अच्छा आप लोगों से, इस तरीके से मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चल रहा हूं, तो कोशिश कीजिए कि चीजें दूसरों को भी शेयर कीजिए और इंजॉय कीजिए जितना हो सके, और रिविजन जरूर करते रहिए, ठीक है। तो अपने आसपास में पानी को सेव कीजिए, पेड़ को भी सेव कीजिए और आसपास में सफाई रखिए। और आज की पीडीएफ आप लोगों को ये वाला पेज है यहां पर मिल जाएगी और ये वाला टेलीग्राम का लिंक है, दोनों जगह डाल दूंगा, मर्ज पीडीएफ जो तीन लेक्चर डीपीएसपी के लिए सारी ऑलरेडी दूसरी पीडीएफ में डाल चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप लोग पढ़ के आइएगा उसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी वाला लेक्चर होगा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा अपना चैप्टर, जिससे कि आगे आप लोगों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना पड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।